सब्सक्राइब कीजिए एक्सपर्टीज विद बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। इसमें आपको बेसिक सिखाऊंगा फिल्मोरा के बारे में। आपको पता होगा फिल्मोरा काफ़ी फेमस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको बेसिक सीखना है वो भी कम टाइम पे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको छोटे छोटे इफेक्ट, जैसे ये क्या होता है, कैसे इसको वीडियो को ऐड करते हैं, साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं, बॉर्डर कैसे, स्पेशल इफेक्ट कैसे देते हैं, सब कुछ एक अलग ट्यूटोरियल सीरीज बनाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मेरा फोटोशॉप और सोनी वेगास का ट्यूटोरियल भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। मैं वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, अभी तो आपको प्रोफेशनल लेवल एडिटिंग सिखाना बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो फिल्मोरा आप खोल लोगे, ये सॉफ्टवेयर वंडरशेयर फिल्मोरा, इसका डाउनलोड ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर लाइसेंस करना है तो परचेस करना पड़ेगा। मैं इसका लिंक नीचे दिया हुआ हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड फ्री डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ये, खोलने के बाद आपके पास खोलता है ये। इसमें आप इजी मोड है जो हमें पसंद नहीं है, हम लोग एडवांस लेवल वाले हैं यार, इजी कौन चलाते हैं, तो हम लोग चलाएंगे फुल फीचर मोड। यहाँ पे इंस्टेंट कटर, एक्शन कैम टूल भी, ये सब है, हमें ये सब नहीं चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 16:9 इज गुड। सो फुल फीचर्स मोड पे आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आपका ये बेसिक लेआउट खोल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका होगा वीडियो प्ले, सेम है यार, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जितना भी होता है उसका जो इंटरफेस है सब कुछ सेम है, बस थोड़ा डिजाइन में अलग है बस। जैसे कि इसमें ये टाइमलाइन है, इसमें क्या है, वीडियो वीडियो टेक्स्ट म्यूजिक म्यूजिक, इसका अलग अलग टाइमलाइन बना के रखा है हर एक चीज़ के लिए। फिर ये इस पर आपका प्रोजेक्ट जो भी आपका इंपोर्ट कराते हो यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया फाइल से, वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे मीडिया म्यूजिक टेक्स्ट, इसमें अलग अलग बहुत सारे स्टाइल्स है, इसमें अलग अलग बहुत स्टाइल्स है। जैसे कि यहाँ पे ये डाउनलोड एरो दिया हुआ है, इसका मतलब वो इफेक्ट आपको यूज़ करने के लिए डाउनलोड करना होगा, और जो कि इसमें नहीं है ये सब आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसका ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में आपका कोई भी वीडियो का जो ट्रांजिशन होता है, एक दोनों वीडियो के बीच का जो लुक है कि कैसे नया वीडियो स्टार्ट होगा, उसको आप ट्रांजिशन बोलते हैं। ये यहाँ पे रेडीमेड है, बस उसको खींच के कर देना है। बहुत एक्चुअली क्या है, ये रेडीमेड इसमें हर एक डिटेल्स स्टाइल सब कुछ किया हुआ है, बस आपको वहाँ पर लगा देना है आपके वीडियो पे, तो काम हो जाते हैं। लेकिन सोनी वेगास में थोड़ा मैनुअली करना पड़ता है, तो इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है। फिल्टर्स आपको किस कलर का चाहिए, आप इसको बस खींच के वीडियो ट्रैक में ले जाना है, आपका हो जाता है। ओवरलेज, एलिमेंट्स, स्पीड एक्सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, जो ट्यूटोरियल्स मेरा इसका सीरीज वाला ट्यूटोरियल जो आएगा उसमें सब कुछ अच्छे से कम टाइम पे, 2 या 3 मिनट मैक्सिमम, बस इसी टाइम पे आपको सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। तो फिलहाल तो एक आपको ट्रायल दे देते हैं, जैसे कि मैं बेल इंट्रो लेके आया यहाँ पे, इसको खींच के इधर प्लेस कर देना है। अब स्क्रॉल करने से आपका जूम नहीं होगा, आपको ऐसे जूम, ऐसे खींच के जूम करना होगा। जैसे कि ये मेरा वीडियो है, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे मुझे कट करना है, स्प्लिट करना है। आप तो इसको यूज़ कर सकते हो जो स्प्लिट है यहाँ पे, या तो कंट्रोल बी, सेम थिंग है। इसमें शॉर्टकट थोड़ा अलग है, सोनी वेगास में एस था, इसमें कंट्रोल बी, तो बस वही है। और इसके बाद आप, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे देता हूँ। नोटिफिकेशन पाई है, देखिए ये ट्रांजिशन मैंने ये ऐड करके दिया, अब देखिए नोटिफिकेशन पाई है। तो बस ये ट्रांजिशन, बस जो भी चाहिए आपको बस खींच के लगा देना है, सब कुछ काम हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल करने का, अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हो। फिर बाकी सब कुछ सही है। टेक्स्ट फाइल अगर आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं करने इसको ऐड करके ये टेक्स्ट वाले लाइन पे लेके आया, इसको आप अपने मर्जी के हिसाब से कम बड़ा कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि अभी ये कुछ अलग ही आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कुछ भी, बस ओके। तो ये है, फिर आप कर सकते हो इसको, अगर इधर उधर चेंज करना है तो उसको यहाँ पे खींच के ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। मीडिया पे जाके आपको अगर गाना ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, ट्रैक कीजिए एक्सपीडिट, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर आपसे सेटिंग
सेटिंग्स क्रॉप जूम, यहाँ से जूम कर सकते हो इसको। तो बेसिकली आपने ये सीख लिया टाइमलाइन पे कैसे ऐड करते हैं, वीडियो कहाँ प्ले होता है, पॉज कैसे करना है, म्यूजिक कंट्रोल जो साउंड है इसका वॉल्यूम कैसे उसको बढ़ाते कमाते हैं। फिर अगर आपको ऑडियो कंट्रोल करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट पे, फिर आप ये वीडियो वाला हो गया जहाँ पे आप ब्राइटनेस सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, स्पीड भी, और ये ऑडियो हो गया जिसमें आप वॉल्यूम, फेड इन, फेड आउट, पिच, इक्वलाइजर भी चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड नॉइज भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत कुछ फीचर्स ऐसा है कि आपका रेडीमेड बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो फीचर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस आपके टाइमलाइन पे ऐड कर देना है, ना को आपको कुछ कस्टमाइज़ करना। हाँ, कस्टमाइज़ करना होगा अगर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम का इधर उधर करना है या फिर कोई लोकेशन इधर उधर करना है तब, बाकी आपका जो है ऑलरेडी सेट है, बस आपको उसको ऐड कर देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो, ये मैं फोटोशॉप का, सोनी वेगास का, अभी तक फिल्मोरा का भी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब कुछ देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।